हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटा सा सब बूफर। तो इस बूफर को बनाने के लिए आपको एमडीएफ बोर्ड के पीसी चाहिए होंगे, एक मोबाइल की बैटरी चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप के सेल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के पास वो सेल अवेलेबल नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के दो स्पीकर भी चाहिए होंगे। ये आपको स्पीकर आपको किसी खराब कॉम्पोनेंट में से मिल जाएंगे, किसी बूफर में से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से भी ले सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का एक एम्पलीफायर बोर्ड चाहिए होगा। इसके ऊपर पहले से ही पीसीबी पर प्रिंटेड होता है बैटरी प्लस बैटरी माइनस स्पीकर प्लस और स्पीकर माइनस, तो कि आपको कनेक्शन करने में बहुत आसानी होती है। अब फ्रेंड्स, मैं एक एसपीएसटी स्विच ले रहा हूँ ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब फ्रेंड्स, आपको इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर दोनों स्पीकर्स को लगा लेना है। तो इस स्पीकर्स को लगाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों स्पीकर को चिपका लिया है और आगे से कट भी कर लिया है, ताकि इसका साउंड प्रॉपर बाहर की तरफ आए। तो आप देख सकते हो अब मैंने इस एमडीएफ बोर्ड को लिया है और इसके ऊपर हम एम्पलीफायर बोर्ड को लगा देंगे। तो इसे लगाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका सुपर ग्लू इस प्लेट में इस बोर्ड में चला जाता है तो ये आपका बोर्ड बिल्कुल भी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा और ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसे मैं ग्लू गन की हेल्प से लगा दूंगा और जो इसकी चार्जिंग सॉकेट है वो मैं बाहर की तरफ रखूंगा, ताकि हम कभी भी इसे चार्ज कर सकें। तो आप देख सकते हो अब इस स्पीकर वाले बोर्ड को मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा। तो आपको इसे सीधा नहीं रखना है, आपको इसे पीछे की साइड में गिरा हुआ तिरछा रखना है। तो इसे अब मैं सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका दूंगा। अगर आपके पास कोई और ग्लू अवेलेबल हो तो आप इसे उससे भी चिपका सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप इसे फेविकोल के द्वारा भी चिपका सकते हो। तो अगर आपके पास फेविकोल नहीं है तो आप इसे सुपर ग्लू के द्वारा चिपका सकते हो। तो सुपर ग्लू से बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने दोनों स्पीकर को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, दोनों की पॉजिटिव वायर को लगा लिया और दोनों की नेगेटिव वायर को एक साथ लगा लिया है। अब एम्पलीफायर बोर्ड की पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव स्पीकर के साथ लगा देंगे और एम्पलीफायर बोर्ड की जो नेगेटिव वायर है उनको स्पीकर की नेगेटिव वायर के साथ लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हो इन स्पीकर दोनों स्पीकर्स के मैंने और एम्पलीफायर प्लेट के कनेक्शन कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, सिर्फ बचे हैं बैटरी के कनेक्शन। तो बैटरी के कनेक्शन भी बहुत आसान है, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं एक एमडीएफ बोर्ड का पीस ले रहा हूँ जो इसके साइड पर हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस टाइप से ये लगेगा और आगे से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो बाद में हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे सीजर की हेल्प के द्वारा और हैक्सा की हेल्प के द्वारा। तो आप देख सकते हो इस के अंदर मैं एक एसपीएसटी स्विच लगा रहा हूँ और इसमें अंदर से कट कर दिया है, ताकि मैं इसमें एसपीएसटी स्विच लगा सकूँ। तो आप देख सकते हो स्विच इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स आ गया है। तो अब फ्रेंड्स, हम इसको अपने स्पीकर की साइड पर लगा देंगे। ये हमारी स्पीकर की एक साइड होगी। तो इसे साइड पर लगाने के लिए भी मैं सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको साइड पर लगा दिया अच्छी तरह से। तो इसे आप ध्यान से लगाइएगा अच्छी तरह से, आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो ये आपका बार बार टूट सकता है। इसलिए अच्छी तरह से इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा लेना आप। तो आप देख सकते हो इसको साइड से मैंने चिपका लिया है। अब फ्रेंड्स, इसके दूसरी साइड को भी मैं चिपका लेता हूँ। तो उसके नीचे से हम कट करेंगे, ताकि हम अपने जो यूएसबी पोर्ट है और चार्जिंग पोर्ट है उसको बाहर की तरफ निकाल सकें और कभी भी चार्ज कर सकें। तो इसे कट कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा ब्लेड के द्वारा, आप किसी भी और एक्स्ट्रा ब्लेड के द्वारा कट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और थिंग अवेलेबल हो तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे कट कर लिया और आपको इसे सैंड पेपर के द्वारा अच्छी तरह से घिस लेना है, ताकि इसकी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इसे दोनों तरफ से दोनों साइड लगा लिए हैं। अब फ्रेंड्स, आपको इसमें बैटरी लगानी है। तो बैटरी के कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप एम्पलीफायर प्लेट के ऊपर पहले से प्रिंटेड होता है बैटरी प्लस और बैटरी माइनस। तो आपको वहाँ पर बैटरी के प्लस और माइनस को लगा देना है और फ्रेंड्स उसके बीच में एक वायर को कट करके आपको स्विच भी लगा देना। तो स्विच लगाना बहुत ही आसान है, आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। आपको सीधे बैटरी और प्लेट के कनेक्शन कर देने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और उसमें से आपको कोई भी वायर को कट करके उन दोनों वायर के साथ स्विच लगा देना है। तो बहुत सिंपल है स्विच लगाना। तो अब फ्रेंड्स, हम स्पीकर को अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं साइड से बिल्कुल पूरा। तो फ्रेंड्स, इसे मैं पीछे वाली साइड को मैं सुपर ग्लू से चिपका दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो इसकी ऊपर वाली साइड होगी तो उसे मैं अच्छी तरह से नहीं चिपकाऊंगा, उसे बस फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फंसा दूंगा ऊपर अच्छी तरह से, और इसे मैं सुपर ग्लू की हेल्प से नहीं चिपकाऊंगा। अगर बाय चांस कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप इसे खोलकर रिपेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिस लिया है, इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अब फ्रेंड्स, आपको मैं इसे चार्ज करके दिखाता हूँ ये किस टाइप से चार्ज होता है और किस टाइप से इसमें इंडिकेटर दिखता है चार्जिंग का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं चार्ज इसे लगा देता हूँ और आप देख सकते हो साइड पर लाइट चल रही है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये चार्ज हो रहा है। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसे कनेक्ट करके मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के द्वारा आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, अब फ्रेंड्स मैं इसमें इसमें गाना बजा देता हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो
फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर आपको कोई चीज़ रख के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे स्पीकर अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर मैं कुछ रख के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ऐसी टेक की वीडियोस लाता रहता हूँ।